Assalamualaikum, Shazia and Farah are back with news and more views for you. So, आज हमारे पास थोड़ी कम news हैं. Views से थोड़े से जरा elaborate हो जाएंगे उनके लिए. मगर news itself थोड़ी focused हैं. And so, Shazia, what are we starting with? आप बताएं हमें. So, hello everyone. सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक trending drama चल रहा है PTV पर. जिसके बारे में हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हीरोज हीरोइंस के बारे में, एर्तुरुल. और एर्तुरुल जो है दिस टर्किश ड्रामा ने पाकिस्तानियों को अपनी लपेट में ले लिया है और रोजाना इसके ऊपर रिव्यूज आते हैं, डिस्कशंस होते हैं. तो फरा देख रही हैं और यू आर वॉचिंग आई थिंक सारे एपिसोड्स अभी तक देखे. तो आई थिंक मैंने उसके 16 एपिसोड्स कर लिए हैं. फरा, हमारे जो कुछ सेलिब्रिटीज हैं वो थोड़े से परेशान हैं कि एर्तुरुल क्यों एयर किया जा रहा है. इसमें पहले शान शाहिद ने कहा कि पीटीवी अपने ड्रामे भी बना सकता है, अपने सेलिब्रिटीज को भी थोड़ा सा पुश कर सकता है, क्यों आप टर्की ड्रामे लेकर आ रहे हैं और पैसे दे रहे हैं. उसका जवाब ये आया कि प्रेसिडेंट अर्डोगन ने एक्चुअली हमें से पैसे नहीं लिए हैं, ये ड्रामा इज अ गिफ्ट टू पाकिस्तान. फिर जिब्रान नासिर ने कहा, उनकी बेचारी की काफी उसके ऊपर ट्विटर वालों ने जो है ना अच्छी तरह उनको जवाब दिया है कि उन्होंने कहा कि क्यों हम पाकिस्तानियों का हम क्यों एक कल्चर इंपोर्ट कर रहे हैं. तो भाई वो कह रहे हैं हम कल्चर इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर हम मनी हाइस देखते हैं तो हम बैंक रॉबर्स नहीं बन जाते, अगर हम फ्रेंड्स देखते हैं तो हम अमेरिकन नहीं हो जाते, और अगर हम इंडियन मूवीज देखते हैं तो हम इंडियन नहीं हो जाते. तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम अर्तुरुल देखेंगे तो हम टर्किश बन जाएंगे. और तीसरा, लास्ट नाइट फिर रीमा ने भी यही कहा कि मैं भी शान के साथ हूँ और ये ड्रामे हमें नहीं दिखाने चाहिए. तो व्हाट डू यू से, यू सीन द ड्रामा? आई हैव सीन द ड्रामा. इसमें कुछ भी मतलब कि आजकल उसी पे वापस जाऊंगी कि बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन और हम सब लोग यू नो आधे टाइम ऑल एट होम्स, हमें भी एंटरटेनमेंट चाहिए. और अगर इस तरह की हमें न्यू एंटरटेनमेंट आ रही है अपने तुर्की ब्रदरान से, तो व्हाई नॉट वॉच इट. इट्स ओके. एंड यस, इट हैज सो मच of like we are being influenced by it. Lots of चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमने अभी proper हमारा, आप YouTube पे please check कीजिएगा, हमने proper हमारा elaborate इसके ऊपर आपिया शाजिया एंड फरा का उसके ऊपर एर्तुरुल के ऊपर segment किया है कि बहुत चीजें जिससे हम खुद connect करते हैं. And और अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके वो हमारा इंटरव्यू देखिएगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा और मैंने फरा राबिया से पूछा है कि क्यों देखना चाहिए ये ड्रामा. सो यस, दैट्स ट्रू. एंड आई थिंक कुछ ना हो तो हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा सा कॉम्पिटिशन मिलेगा कि अगर एर्तुगुल ट्रेंड कर सकता है तो फिर आगे कुछ और भी. 20 मिलियन आई थिंक उनके व्यूज मैं देख रही थी. आई होप आई एम नॉट रॉन्ग विद द नंबर, मैंने ये देखा था. अच्छा, ओके, गोइंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक एर्तुगुल से कनेक्टेड है. वो ये है कि हमारे कुछ पाकिस्तानी बिरादरान हैं जो इंटरनेट पे ट्रोलिंग बड़ी जल्दी शुरू करते हैं. उन्होंने ट्रोल किया जो एर्तुगुल की जो लीड फीमेल कैरेक्टर है हलीमे. हलीमे इज प्लेड बाय एज्रा बेल्जिक, और एज्रा की कुछ इंस्टाग्राम तस्वीरों पे हमारे पाकिस्तानियों की गैरत जाग उठी. उन्होंने कहा ये किस किस्म की तस्वीरें हैं और आप तो मुसलमान हैं और ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन इस दफा हमारे पाकिस्तानियों ने उनको भी जवाब दिया जाके. एंड कुछ मैं थोड़े से एक तो यही पढ़ूंगी कि उन्होंने यही कहा कि भाई व्हाई आर यू सेइंग दिस एज्रा, we apologize for all Pakistanis. एक Instagram comment ये था, ma'am we love you as Halime. Don't judge Pakistanis by what a few of us are saying. So Farah, what do you have to say about that? And that is for a fact. आप अपने सारी you know एक बंदे की वजह से पूरी की पूरी आप तलाब you know एक नहीं खराब कर सकते. And not only Esra, I think even Ertuğrul himself के ऊपर भी बहुत सारी negativity आई उसके कुछ उसके वो pets के साथ picture and all that. And once again I will just say कि यार मतलब कि they're actors and उनकी कोई जिंदगी है अपनी you know.
and as you said कि हमारे बहुत हमें अच्छा लगा कि हमारे पाकिस्तानी ने जहाँ कुछ लोगों ने नेगेटिविटी भी फैलाई उनकी बैशिंग की वहाँ कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बल्कि उनको सपोर्ट भी किया इन दोनों सारे एक्टर्स को and especially Esra and which was very good to see ke an uplifting ke inhone ye kiya aur hum chahenge ki ye aise hamari apni jo local actresses and actors hain jab kabhi wo hot waters mein ho jo bahut bahut time bahut dafa hote hain to please aap log unko bhi support kare and positivity phailaye and that's very good all of those yeah. जो पॉजिटिविटी फैलाएंगे और ये तो महीना भी है पॉजिटिविटी वाला बिल्कुल आई थिंक वी हैव टू टेक दैट ये बहुत अच्छा पॉइंट था फरा कि हमारी अपनी एक्ट्रेसेस हैं माहिरा मेविश हयात ज़ारा नूर अब्बास इन सबको भी आप उसी तरह सपोर्ट करें जब ट्रोलिंग हो रही हो तो यस अच्छा कमिंग टू द नेक्स्ट शैल वी मूव ऑन यस हमने ये तो बोला ही नहीं कि हम इतने शॉक्ड थे उससे हम बहुत शॉक्ड थे कि लोग पहुंच गए एक्स्ट्रा के एक्चुअली हम जब प्यार करते हैं ना किसी हीरोइन हीरो को तो हम ऐसे दिल से प्यार करते हैं कि बस हम समझते हैं कि बस अब ये हमारे हो गए अब हमारा हक है कि हर चीज कह दें उनके ऊपर कुछ रोकना नहीं है ओके गोइंग बैक टू अनदर ट्विटर ट्रेंड विच इज खाडी ट्रेंडेड ऑन ट्विटर लेकिन खाडी की वजह से आई थिंक ट्रेंड नहीं हुआ वो तो उन्होंने एक तस्वीर पकड़ ली इट वॉज एक्चुअली जितने भी क्लोथिंग कंपनीज थी ब्रांड्स जब खोले क्योंकि मंडे से लॉकडाउन लिफ्ट हुआ है पाकिस्तान में तो लोगों की कतारें बन गई बाहर लोग लाइन में खड़े हुए थे ईद की शॉपिंग करने के लिए और समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मतलब ऑनलाइन शॉपिंग खत्म हो गई है या व्हाट इज द प्रॉब्लम सो फरा टेल अस समथिंग अबाउट दिस इसकी प्रॉब्लम बस ये है कि हम लोगों में एक वो है कीड़ा है यू नो औरतों में हम लोगों में बेसी हमें शौक है कि अहो अगर लॉकडाउन ईज हुआ था लिफ्ट पूरा नहीं हुआ सो जब ईज हुआ तो उसके अंदर वाज लाइक एक्साइटमेंट कि अब हम बाहर जाएंगे और अब हम शॉपिंग करेंगे एंड ऑल दैट एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत सारी शॉप्स में ये है द एसओपीज फॉलो करने का तरीका वो तो था बट जो जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा सब शॉप्स और मार्केट्स बंद कर दिए हैं जिसमें आई थिंक राजा बाजार ज़ेरा मार्केट बहुत सारे नाम है इस तरह के इट्स बिकॉज के वो अंदर शॉप में पता नहीं क्या हुआ कि बाहर जो क्यूज बन गई ना उन लोगों ने फॉलो नहीं किया एंड मुझे बस यही था उस टाइम पे भी जब ये लोग लॉकडाउन ईज कर रहे थे और कहते थे कि मॉल्स एंड मार्केट्स खुलेंगी दैट वाज अ बिग नो नो एट दैट टाइम आल्सो इट शुड नॉट हैव हैपेंड एट दिस पॉइंट इन टाइम बिकॉज़ अभी तो हालात थोड़े स्टेबल हो रहे थे तो वो और थोड़े और अब खराब होने के उसके चांसेस हैं और जो हो भी है बिकॉज ऑफ ऑल दिस बट वही बात है शाजिया क्या आई थिंक ईद आ रही होती है ईद फेस्टिविटीज होती हैं रमजान का माहौल पीपल जो अंदर बैठे हुए हैं जो यू नो अपने कंपाउंड्स में हैं दे वॉन्ट दैट आउटलेट दे वॉन्ट टू गो आउट दे वॉन्ट टू बी आउट सो आई थिंक बस अब यही है कि जेंटल रिमाइंडर्स इन सबको बताने के लिए हमारी अपनी फोर्स हमारी गवर्नमेंट बस ये री एनफोर्स करती रहे उनको कि प्लीज आप लोग मास्क पहन के जाएं डिस्टेंस रखें एक यू नो मार्केट जब आप जाएं तो ये हो पर अभी तो मार्केट पूरी की पूरी उन्होंने बंद ही कर दी अच्छा लेकिन देखो अब यही जो तुम कह रही हो ना ईद के ऊपर क्या प्लान है अब हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स जैसे शनीरा अकरम ने तो ट्वीट किया है कि मैं और वसीम अकरम हम तो घर पे ईद मना रहे हैं किसी से नहीं मिल रहे हैं और आपको किसी को ईद का गिफ्ट देना है तो आप घर पे ईद मनाएं लेकिन फिर गोइंग बैक हमारे इन्फ्लुएंसर्स शनीरा अकरम तो नहीं और जो है वो कहते कुछ है करते कुछ है अब वो अगर ट्वीट करेंगे कि आप घर पे बैठे और फिर खुद नजर आएंगे कहीं बाहर तो फिर उनकी बात का कोई फायदा नहीं होगा तो आप अगर कहें एज एन इन्फ्लुएंसर तो प्लीज आप इस बात को याद रखें कि ऑल आईज आर ऑन यू सब आपको देख रहे हैं और आप अपनी बात पे कायम रहें अपनी जिंदगी में भी तो यस दैट वाज अ मैसेज एंड गोइंग ऑन टू सैलोन नबीला सैलोन और सैलॉन्स व्हाट्स हैपनिंग फरा व्हाट्स हैपनिंग ये है कि दे वांटेड टू ओपन दे हैड अ होल मीडिया meetup and I think usme abhi inko shayad nahi
मिल रही है इजाजत. इफ आई एम नॉट रॉन्ग पंजाब में उन्होंने खोल दिए सैलॉन्स, बिकॉज आई डिड सी के वो लाहौर नबीलाज वाज ओपन एंड फ्यू ऑफ द सैलॉन्स आल्सो ओवर हियर सेड दैट वी आर ओपनिंग, बट they said ki nahi, the government is still not giving them the permission to open. So the barber shops and the salons, so aur wo puri ki puri shaaze un logon ne apni puri taiyari rakhi hui hai to follow the SOPs. Tum mujhe batao ki in Basel tumhara because full lockdown to running hai, tum logon ke salons khule hue hain aur uske andar kis tarah hai, how can salons over here, because I'm sure yahan pe puri ki puri precaution li jayegi, but my question is ki jab puri precaution ke sath bhi jab aap log 5-6 log aaye, aap would you go to a salon with all the वो सब पहन के सब कुछ, it's a whole different देखो I live in Switzerland और Switzerland जो है उसकी peak आके अब खत्म हो चुकी है, अब बिल्कुल numbers low है, मतलब 30 के करीब infection rate जा रहे daily 30 के करीब, ठीक है. उन्होंने जब lockdown lift किया about 2 हफ्ते पहले, तो अच्छा 3-2.5 हफ्ते softies किया है, अभी भी उन्होंने दुकानें clothing की नहीं खोली है. उन्होंने सैलॉन सबसे पहले खोले, लेकिन सैलॉन्स का एसओपी ये था कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है, एक तो आप फोन करें या आप अंदर नहीं जाएं, सैलॉन के आप बाहर खड़े रहें, वो आपसे वहीं से बात करके आपसे अपॉइंटमेंट ले लेगी. अगर आपका अपॉइंटमेंट है, आप बाहर खड़ी हो, वो आपको लाके एक मास्क देंगे, वो आप मास्क पहने अंदर जाएं, आप अपना कोट वोट दुपट्टा उपट्टा जो भी उतारना है खुद ही उतारें, उसको हैंग करें, अपने बैग को खुद ही संभालें, आपकी कुर्सी के ऊपर वो एक स्प्रे करते हैं डिसइंफेक्टेंट. अंदर सैलॉन में सिर्फ 3-4 लोग अलाउड होते हैं जो डिस्टेंस पे बैठे होते हैं, और जब आप पेमेंट के लिए आते हैं, एक तो वो जो सैलॉन वाले होते हैं वो भी मास्क पहने हुए होते हैं जो बाल काट रहे हैं आपके, और आप खुद भी. और ये मैं सिर्फ बाय द वे मैं हेयर ड्रेसर्स की बात कर रही हूँ, आई डोंट थिंक कि बाकी फैसिलिटीज आर ओपन, सिर्फ हेयर ड्रेसर. आप पेमेंट करें तो हाँ, आपके सामने एक प्लास्टिक स्क्रीन है और इनकरेज किया जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड से पे करें. हाँ, अगर नहीं कर सकते तो आप कैश से करें, और वो बस नीचे आपको पैसे. तो ये अब पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन फर्क है, ठीक है. इट इज नॉट लाइक स्विट्जरलैंड कि आप उसको इतने दिन बंद रखें, हमसे यही कहा जा रहा है और सही कहा जा रहा है. तो फिर आपको SOPs बहुत बहुत स्ट्रांग रखने होंगे इसके, और बिल्कुल जरूर ज़ैनब मार्केट, बोरी बाजार, तारिक रोड, इसमें कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं होता. तो मुश्किल है कि आप कैलकुलेट कर सकें कि अच्छा 2 लोग जाएंगे 4 लोग आएंगे, तो शायद मे बी वी हैव टू वेट और ऑनलाइन थोड़ा और बढ़ाएं. तो या दिस इज द थिंग. अच्छा, एक मुझे और फरा बात डिस्कस करनी थी विच कल रात को हुई और मैं भूल गई थी पहले तुमसे कहना, विच वॉज आतिफ असलम एंड यू हैड टोल्ड मी कि शाजिया वी मस्ट डिस्कस दिस 99 names of Allah. So what did you think? Sehri ke time pe wo logon ne dekhna shuru kiya. I know, and I think pehle I'm in that Tajdar-e-Haram wale usme, and then jab ye suna, and it was like so, like it touched, and he had his Atif, to yaar uski voice mein jo lars hai, wo jo power hai, wo is like class above, and mashallah. And I loved his journey over the years. Tajdar-e-Haram, phir wohi khuda hai, aur abhi, aur uski waqai tum keh rahi ho, awaaz mein bhi ek change aaya hai. Agar aap pehle wale Atif Aslam ko sunne aur ab sunne, kyunki I think wo classical training bhi kar rahe hain at the same time, to bilkul farak ek scene. Aur mujhe pata hai ek bahut achhi baat ye lagi ki ye pehle hum sunte the PTV pe, theek hai, 99 names of Allah har Ramzan mein dohraya jata tha. और आप, मुझे लगता है कि एक जो यंगर जेनरेशन है ना, वो अब ये सुनेंगे थ्रू आतिफ असलम. एंड नॉट जस्ट यंगर जेनरेशन, बट आतिफ असलम के वर्ल्ड वाइड फैंस हैं, इंडिया में बहुत फैंस हैं, इंटरनेशनल फैंस हैं. तो उन सब के ट्विटर पे, ट्वीट पे टक 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 रिप्लाईज आ रहे थे. किसी ने ये भी कहा कि हम किसी भी कंट्री से बिलोंग करें, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें, जब हम ये सुनते हैं तो वो जाके हमारे दिल को लगता है. तो एग्जैक्टली व्हाट यू सेड. So, ye ek baat, it was really lovely. Yeah. It was very lovely.
सकती है. यस एंड वन मोर थिंग जो अभी मुझे ख्याल है, ऑफ कोर्स अब इस 99 नेम्स ऑफ अल्लाह के बाद में एक और बहुत इसकी ऑपोजिट उस पर जाने लगी हूँ, इज के नेक्स्ट बेसिकली आई थिंक मंडे से देयर स्टार्टिंग इज द वर्चुअल फैशन शो की शूट जो कैटवॉक केयर प्रिया अल्ताफ जो कर रही हैं. सो क्या कहते हैं उसके अंदर आई थिंक ऑलमोस्ट अबाउट 15 डिजाइनर्स मॉडल्स, एवरी डिजाइनर्स गोना हैव वन मॉडल ईच एंड आई थिंक टू वार्डरोब चेंजेस हैं जिसके बारे में हमने आई थिंक टू एपिसोड्स पहले बात की थी. एंड सो वी आर रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. इट्स आहिस्ता 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 वो ग्रो कर रही है उसके ऊपर. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे वील हैव सम न्यूज फॉर इट बिकॉज आई थिंक अभी मंडे से उसकी ऑल द मॉडल्स आर स्टार्टिंग टू गेट द वार्डरोब एंड एवरी थिंग एज ऑफ नाउ दे से कि वर्चुअली ही किया जाएगा. द डायरेक्शन ऑफ द कैटवॉक द स्टाइलिंग कपड़े उनको पहुंचेंगे थ्रू TCS एंड यू नो एवरीथिंग विल बी डन वर्चुअली एंड सो लेट्स सी हाउ दैट इज. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई होप दे फॉलो ऑल द थिंग्स जो हम कहते हैं और जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे कि आई होप कि ये दिस इज वन थिंग के दिस विल एक्चुअली बी वर्चुअली एंड इसमें जाके कोई फिजिकली किसी को तैयार नहीं करेगा सो दैट वी कैन सी द रॉ एंड वी कैन सी how a virtual fashion show itself is. So, मुझे बहुत excitement हो रही है इसको देखने. Have they given a date yet? When is it going to be up? I think it's going to be a 3-day thing. अच्छा, okay. 3 दिन के span होगा इसका. And उसकी जो first I think जो अभी pre start हो रहा है, तो वो Monday से start हो रही है इसकी with the models. Okay, great. So let's see how that will turn out. Yeah. So I think that's all from our newsroom. ठीक है. Yeah, we'll wrap it up and I hope आपको मजा आया हो. देखते रहिए और बेल आइकॉन पे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आए हर सैटरडे को. फरहान शाजिया, we are giving you news with views. Thank you and खुदा हाफिज़.